संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का विषय है न्यूज क्लिक वेबसाइट। आप सभी लोग जानते हैं कल सुबह ही सुबह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी के नेतृत्व में करीब न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए 30 से अधिक पत्रकारों के घरों पर छापे डाले गए और उनके फोन, लैपटॉप और बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स को जो है जब्त कर लिया गया। और ये खबर पूरी दुनिया में इस समय सनसनी बन चुकी है, ना केवल भारत के समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया पे, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। आखिर न्यूज क्लिक वेबसाइट क्या है और क्यों इसकी चर्चा है, आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में संविधान जब से लागू किया गया, खासकर 26 जनवरी 1950 से, तब से भारत में राइट टू लिबर्टी है, अर्थात सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत सबको राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, और कई प्रकार के अभिव्यक्ति का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। आप कोई बात कह सकते हैं, कोई बात नहीं कह सकते हैं, आप कोई चीज बोल सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, आप गाल फुला सकते हैं, आप डिजिटली कोई बात कह सकते हैं, अखबार में लिख करके कह सकते हैं, कोई भाव भंगिमा बना के कोई मंचन कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, फेसबुक पर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार की राइट आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत दिए गए हैं और इसको प्रेस के अधिकार, मीडिया के अधिकार के नाम से जाना जाता है और लोकतंत्र में इसको चौथा पिलर माना जाता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बाद चौथा पिलर प्रेस को ही माना जाता है। और कल जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए पत्रकारों के घरों पर छापा डाला गया और उनके फोन और लैपटॉप को जब्त किया गया, तो इसे प्रेस की आजादी पर हमला माना गया। खासकर विपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि भारत के प्रेस के आजादी पर अब ग्रहण लग चुका है और अब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो गई है। और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे जो है समूह के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा भारत में दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना भी की गई। यद्यपि इस घटना के कई पहलू हैं, आपको इन सारी बातों को समझना होगा। सबसे पहले तो आप न्यूज क्लिक वेबसाइट के बारे में जानें। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में हजारों की संख्या में अनेक मीडिया जो है समूह हैं, अनेक चैनल हैं, अनेक संस्थाएं हैं जो भारत में स्वतंत्र या यूं कहें रिपोर्टिंग का काम करती। स्वतंत्र शब्द से थोड़ा सा मैं पीड़ित हूं क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है या स्वतंत्र रहती है, इस बात को लेकर के हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद। आपने देखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि न्यूज चैनलों की रिपोर्ट को देख करके लगता है कि ये न्यूज नहीं देते बल्कि नकारात्मकता फैलाते हैं और पहले से मोटिवेटेड होते हैं। डॉक्टर कलाम की ये बात सुन करके प्रेस की आजादी और प्रेस के स्वतंत्र ओपिनियन के ऊपर देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह लगता है। ना केवल डॉक्टर कलाम, हम जैसे बहुत सारे लोग भी ये महसूस करते हैं कि क्या मीडिया स्वतंत्र ओपिनियन रखती है, कोई स्वतंत्र पक्ष रखती है? बहुत असंभव लगता है। अनेक पत्रकार, अनेक मीडिया ग्रुप अनेक विचारों से प्रभावित हैं, सब अलग अलग विचारों के मीडिया हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अगर मैं स्वतंत्र रूप से बोलूंगा तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन चूंकि आप सब मेच्योर हैं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, हर विचारधारा के न्यूज चैनल और मीडिया समूह है। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए बहुत सारे चैनल हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए कुछ ज्यादा ही चैनल हैं, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए भी चैनल हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए भी मीडिया समूह और चैनल हैं,
और इसी तरीके से अनेक प्रकार की जो है चिंतन आधारित, विचारधारा आधारित, पहले से ही जहां विचार निश्चित है उनके द्वारा मीडिया समूह और प्रेस को संचालित किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रेस को कहां तक हम मान सकते हैं कि प्रेस अपनी भूमिकाओं का सही निर्वहन करती है। लेकिन फिर भी प्रेस के माध्यम से सरकार को आईना दिखाना संभव होता है। सरकार और तमाम संस्थाओं के निरंकुशता को उजागर करना संभव होता है। समाज में उन सारे पहलुओं पर चर्चा करना संभव होता है जिसके नाते समाज पिछड़ा होता है, समाज की वैज्ञानिक मानसिकता, समाज के व्यापक विकास को ग्रहण लगता है। इस नाते मीडिया समूह की हमेशा प्रशंसा की जाती है। और हम लोग चूंकि ऐसे समाज से आते हैं और ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवाओं का और सिविल सेवा में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का, जिसके नाते हम लोगों के लिए मीडिया पर बात करना हमेशा एक जानते हैं चुनौतीपूर्ण और बहुत सावधानी भरा होता है, क्योंकि हम विद्यार्थियों को ट्रेंड करते हैं यूपीएससी के लिए। कहीं उनमें कोई ऐसी विचारधारा ना पनप जाए जिससे इम्पार्शियलिटी का जो कंसेप्ट है वो प्रभावित हो जाए। निष्पक्षता, एक विद्यार्थी को निष्पक्ष रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए और एक मौलिक विचार उसके अंदर विकसित होना चाहिए ताकि वह तर्कसंगत तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से, प्रासंगिक तरीके से मानवीय मूल्यों, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और उच्चतर मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रशासन को संचालित कर सके। इस नाते हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसे में न्यूज क्लिक वेबसाइट और उसकी खबर पर बोलना हम लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हम कोई एक पक्षी बात नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यह तो सभी लोगों को ज्ञात है कि मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रही है और पत्रकारों के विचार भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहे हैं। और हमेशा पत्रकारिता किसी न किसी समूह का, किसी न किसी ग्रुप का, और यहां तक तो मैं बोलूं औद्योगिक घरानों का प्रतिनिधित्व करती रही है। बताइए जितने भी समाचार पत्र हैं या जितने भी मीडिया चैनल हैं, ये सब किसी न किसी उद्योगपतियों के हैं। और जिस उद्योगपति का पैसा लगा हुआ है और वो जिस विचारधारा से संबंधित है या जिस विचारधारा को संचालित करना चाहता है, पत्रकार उसी के कठपुतली पपेट बन करके काम करते हैं। ऐसे में मीडिया पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है, लेकिन मुद्दा है कि भारतीय संविधान में हम राइट टू लिबर्टी की बात करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन की बात करते हैं और इसको बहुत महत्व देते हैं। और भारतीय संस्कृति वैसे भी बड़ी व्यापक संस्कृति रही है जहां पर हमेशा यह कहा जाता रहा है, लेट्स नॉलेज कम फ्रॉम एवरी साइड, सद्विचारों को सभी दिशाओं से आने दिया जाए, हर व्यक्ति और उसके जानते हैं विचारधारा को महत्व दिया जाए। इसीलिए सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे व्यापक मानी जाती है और माना जाता है ऐसी संस्कृति होना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उसमें सभी विचारधारा, सभी समूहों के विचारों को महत्व दिया जाता है। चाहे कोई ईश्वर को मानता है, नहीं मानता है, किसी चीज को मानता है, नहीं मानता है, पक्ष का है, विपक्ष का है, सबको जानते हैं, समान मानने का भाव है। और कहा गया है उपनिषदों में, कहा गया है ईसा वाश्यमिदं सर्वम, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, इस भाव के साथ हम काम करें। अर्थात हम अपने विरोधियों का भी इसलिए विरोध नहीं करते कि वो हमारा विरोध करते हैं। ऐसे में भारत में प्रेस को आजादी होनी चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस विचारधारा से हम लोग पूरी तरीके से सहमत हैं। ये भारत की प्राचीन संस्कृति का उद्गार है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हम किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। ऐसे में अगर भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा न्यूज क्लिक वेबसाइट पर इसलिए सिर्फ जांच की जा रही है कि वो भारत सरकार की आलोचना करती हैं, ये सर्वथा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत में अनेक मीडिया समूह, मीडिया चैनल, वेबसाइट विदेशी फंडिंग प्राप्त करती हैं।
और विदेशी फंडिंग ना केवल प्राप्त करती है बल्कि विदेशी प्रोपेगेंडा को भी प्रसारित करने में, प्रचारित करने में लगी हुई है। खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब न्यूज क्लिक वेबसाइट के बारे में खबर दी तो पैरों तले हम लोगों के जमीन चली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी वर्ष अभी अगस्त में, आपने देखा होगा, एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें उसने बताया कि जो भारत में न्यूज क्लिक वेबसाइट, न्यूज आउटलेट है, ये चीन के प्रोपेगेंडा को प्रसारित करने में लगी हुई है और इसको फंड देने वाले चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ नेता और अमेरिका के कुछ उद्योगपति जिनको चाइना में लाभ होता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां भी चाइना में अपना कारखाने लगा करके वहां उत्पादन कर रही हैं, तो ना केवल उत्पादन कर रही हैं, इतने लालच में आ चुकी हैं कि चीन का प्रोपेगेंडा भी फैला रही है ताकि वो चीन में उत्पादन कर पाए और पूरी दुनिया में सस्ता माल बेच करके बाजार पर कब्जा कर पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को मैंने भी बड़ा गंभीरता से पढ़ा और देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिलसिलेवार बड़े सबूत के साथ लिखा है कि न्यूज क्लिक वेबसाइट जो कि न्यूज चैनल आउटलेट है, वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अमेरिकी उद्योगपतियों से फंड प्राप्त करती है और सरकार के विरुद्ध लगी रहती है और चीन के प्रोपेगेंडा को हर तरफ से बढ़ावा देती है। ऐसे में यह बहुत गंभीर आरोप हो जाता है। अगर देश के ऊपर कोई हमला करता है या भारत को तोड़ने के लिए अगर कोई शक्ति काम करती है तो उसे हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम ऐसे उद्देश्यों, आदर्शों से प्रेरित हैं, संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित हैं जिसमें हम अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं जा सकते। देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जानते हैं अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें। भगवान राम से जब लक्ष्मण ने पूछा, जब भगवान राम ने रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की, तो लक्ष्मण ने पूछा भगवान राम से कि भैया ये पूरे सोने की लंका कितनी अच्छी लगती है, अब यह भी अपने राज्य का भाग होगी, क्या हम लोग यही रहेंगे? भगवान राम ने कहा, यद्यप स्वर्णमयी लंका ना ते लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपगर्यसी। ये सोने की लंका भले है लक्ष्मण, लेकिन हमारी जन्मभूमि अयोध्या है, हम वहीं चलेंगे और वहीं रहेंगे, यहां का राजा विभीषण होगा। ये हमारा भाव रहा है। भारत प्राचीन समय से भी ना किसी के ऊपर कब्जा करने की दृष्टि नहीं रखता रहा, लेकिन अपने जन्मभूमि के लिए मरने और सर्वोच्च न्यौछावर करने का संस्कार हम सभी भारतीयों में रहा है। ऐसे में अगर न्यूज क्लिक वेबसाइट वास्तव में भारत के विरुद्ध लगी हुई है और चीन के प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रही है और भारत को तोड़ने के साजिश में अगर ये लगी हुई है, तो यह कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस वेबसाइट पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी अगर सरकार के पास सबूत है कि विदेशों से फंडिंग आई है, तो जांच करने का अधिकार है। सरकार का काम ही होता है जांच करना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना, और जो कुछ होगा, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो कुछ होगा न्यायपालिका में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों को पहले से कोई विचार बनाने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखें, आप पूछते हैं कि सर इस पर कौन सा स्टैंड रखें, जो न्यायपालिका का स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड होगा, जो भारतीय संविधान के मूल्यों आदर्शों का जो स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड होगा। हाँ, लेकिन सरकार को जांच करने का अधिकार है, सरकार को सबूत जुटाने का अधिकार है, और देश के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश करने का अधिकार है। जहां नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं सरकार को राज्य के विरुद्ध कोई ना जाए, हमारे राज्य को कोई खंडित ना करे, हमारे राष्ट्र को कोई प्रभावित ना करे, इसके संप्रभुता, इसके अखंडता, एकता और अखंडता की रक्षा का भी अधिकार है। ऐसे में आगे देखने की आवश्यकता है कि सरकार और दिल्ली पुलिस क्या सबूत रखती है और न्यायालय में क्या फैसला आता है। लेकिन न्यूज क्लिक वेबसाइट के ऊपर लगाए गए आरोप बहुत ही गंभीर हैं और
ये उन चुनौतियों को दर्शाते हैं कि हमारे शत्रु देश किस हद तक जा चुके हैं। खासकर चीन भारत को तोड़ना चाहता है, भारत के न केवल अस्तित्व को प्रभावित करना चाहता है बल्कि उसका रवैया तानाशाही पूर्ण रहा है और हमेशा ऐसा रहा है कि हम उसका पिछलग्गू बन के रहें। भारत कभी किसी का पिछलग्गू नहीं रहा है, ना तो कभी रहेगा चीन। तुम इस तरीके से मत सोचो। तो ऐसे में यह मुद्दा बहुत चर्चा में है। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि न्यूज क्लिक वेबसाइट के गतिविधियों, उसके समाचार और उसके जो कंटेंट है, उसके संदिग्धता में होने वाली जांच पर ध्यान रखें। हमारी एजेंसियां चूंकि हमेशा स्वतंत्र रही हैं, आप जैसे लोग ही अधिकारी बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं और आपको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ में भारतीय विचारधारा में पढ़ा पला बढ़ा व्यक्ति जो है, जो अधिकारी बनता है, कम से कम उससे निष्पक्षता की आशा की जाती है, उससे एक अच्छी भूमिका की आशा की जाती है। ऐसे में सबूत सही से जो है निकाले जाएंगे, न्यायपालिका में रखे जाएंगे और भारत में न्यायपालिका में पक्ष विपक्ष दोनों अपने मुद्दे रखेंगे और अंततः जो निष्कर्ष होगा उसके अनुसार हम सत्य तक पहुंचेंगे। लेकिन इस घटना ने भारत को हिलाया है, भारत को प्रभावित किया है और ऐसा लगने लगा है कि विदेशी शक्तियां भारत के ऊपर हर तरफ से लगी हुई हैं, न केवल हमारी छवि को प्रभावित कर रही हैं बल्कि हमारे आने वाली दिशा, आने वाले समय में हमें गंभीर संकट की तरफ जो है मोड़ सकती हैं, हमारे लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। इस तरीके की भी संभावनाएं दिख रही हैं। यद्यपि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक हूण कुषाण से लेकर के बहुत सारे लोग भारत में आए, भारत को नष्ट करने का प्रयास किया, बहुत कुछ भारत को प्रभावित किया, लेकिन भारत का अस्तित्व अभी भी जानते हैं बना हुआ है। कुछ जानते हैं हस्ती हम लोगों की इस तरीके से है कि उसको अंतिम रूप से कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।